हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने जल तजर्जीत में। जैसा कि आपको पता है कि आपके वार्षिक एग्ज़ाम यहाँ पर पाँच कक्षा पाँच के आपके यहाँ पर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं, तो पूरी तैयारी आप कर लीजिए क्योंकि इस बार आपके जो पेपर हैं वो वार्षिक होने वाले हैं और यहाँ पर जो बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर के माध्यम से ये लिया जा रहा है। ठीक है, तो आपके यहाँ पर क्या बोर्ड परीक्षाएँ जिस तरह से होती हैं उस तरह से आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। इसमें आपके 100 नंबर का पूर्णांक रहने वाला है और 3 घंटे लगभग समय मिलने वाला है। लगभग 2.5 घंटे लिखा है लेकिन 3 घंटे का समय आपको मिलेगा। ठीक है, तो हमें ये रियल पेपर देखने वाला है, इसी प्रकार से आपका पेपर होने वाला है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको आने वाले जो पेपर है उसमें कोई समस्या ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं पेपर को क्या है। यहाँ पर तो हमारा पहला पेपर यहाँ पर देखने वाले हम जो वो हम देखने वाले हिंदी का। ठीक है, कक्षा 5 हिंदी 2021-22 का आपका पेपर देखने वाले हैं। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या दिया गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो पहला हमारा दिया गया यहाँ पर शिवाजी, यहाँ पर शिवाजी को युद्ध कला की शिक्षा किसने दी थी, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा शिवाजी को युद्ध कला की शिक्षा किसने दी थी, तो यहाँ पर कौरदेव ने दी थी। किसने दी थी? कौरदेव ने। OT 4 नंबर की ही है आपकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईश्वर के हृदय में कौन रहता है, तो सत्यवादी रह ठीक है, सत्यवादी के किसके में रहते हैं, सत्यवादी के में रहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे, बचपन की किन बातों को नहीं भूला जा सकता है, तो बचपन की यादों को नहीं भूला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो ये उज्जैन में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं जो यहाँ पर 4 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, तो रिक्त स्थानों को देख लेते हैं, 4 नंबर में आने वाले हैं ये रिक्त स्थान आपके। तो पहला क्या दिया गया है, दशहरे को ही कहते हैं। ठीक है, तो दशहरे को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर दशहरे को विजयदशमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विजय दशमी, तो विजयदशमी कहा जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप, तो विजयदशमी कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, अगला क्वेश्चन दिया गया इसमें, लाखों शेर एक साथ झुक जाते हैं, कहाँ पर? दरबार में। दरबार में झुक जाते हैं, कहाँ पर झुक जाते हैं? दरबार में। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, शिवाजी की तलवार का नाम क्या था, तो शिवाजी की तलवार का नाम तीसरे वाले का है तो जगदम्बा था। क्या था आपका? जगदम्बा, जगदम्बा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को किसकी उपाधि दी गई थी, तो यहाँ पर बैरिस्टर की उपाधि दी गई थी। किसकी दी गई थी? बैरिस्टर, बैरिस्टर की उपाधि दी गई थी, तो इनको अच्छे से भर लेना है आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, ये 10 नंबर के हैं आपके। ठीक है, 10 नंबर के क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखते हैं कितने क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन होंगे उस हिसाब से इनके नंबर डिवाइड किए गए होंगे। इसमें से हमें पूरे क्वेश्चन करना है क्योंकि इसमें कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चनों की संख्या 10 है, तो मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन हैं 1 नंबर के हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, रुचि और मज़ा इनके हमें लिखना है। क्या लिखना है? समानार्थी शब्द, मतलब पर्यायवाची लिखना है। तो इनका हमारा क्या होता है, तो पहले लिखेंगे रुचि का, तो रुचि का लिख लीजिएगा समानार्थी शब्द, एक एक ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। तो रुचि का हमारा होता है समानार्थी शब्द क्या होता है, चाहे। क्या होता है? चाहे या इच्छा बोल सकते हैं। दूसरा क्या है आपका? मज़ा। तो मज़ा का समानार्थी शब्द लिखेंगे हम, तो मज़ा को क्या बोल सकते हैं? एस। क्या बोल सकते हैं? एस। ठीक, एस बोल सकते हैं, जैसा कि बोला भी जाता है कि हमें हमारे तो एस चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, तो अगला क्वेश्चन दिया गया तीसरे का सेकंड, उसको देख लेते हैं क्या दिया गया है हमारा। पर्यायवाची शब्द लिखने थे, तो नदी का शब्द लिखना है पर्यायवाची का, तो नदी का लिख लीजिए यहाँ पर, ध्यान रखिए। तो नदी का पर्यायवाची लिखते हैं यहाँ पर, तो नदी का पर्यायवाची हो जाएगा आपका यहाँ पर तरणी, यहाँ पर सरिता लिख लीजिए या तरणी लिख लीजिए, सरिता। तो क्या हो जाएगा, नदी का सरिता, और धरती का लिख लीजिए, धरती का भू भूमि धरा होता है तो धरा लिख लीजिए इसका। धरती का क्या हो जाएगा, पर्यायवाची धरा, नदी का सरते सरिता और इसका धरा हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनका विलोम शब्द लिखना है, तो गुण का क्या लिख लेंगे, तो गुण का हो जाएगा आपका दोष या अवगुण। अवगुण, दोष भी लिख सकते हैं और अवगुण भी लिख सकते हैं। और मृत्यु का क्या होता है, जन्म। क्या होता है? जन्म। मृत्यु का क्या हो जाएगा आपका, जन्म हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या लिखना था, अवगुण या दोष, अवगुण या दोष लिख सकते हैं। ठीक
ठीक है, तो ये अपग्रेड होगा 200 इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें, हिंदी मानक रूप में लिखते हैं, लिखिए, ठीक है, हिंदी मानक रूप में लिखना है, तो इसे लिखा है हृदय। हृदय को हम क्या बोलते हैं वास्तव में, तो हृदय को बोलते हैं हृदय, क्या बोलते हैं हृदय, हृदय बोलते हैं। इसके बाद ये लिखा है त्रिशूल, त्रिशूल, तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है त्रिशूल, ठीक है, तो अच्छे से लिखना है इसको, ये इस प्रकार से लिखा जाता है त्रिशूल, तो इस प्रकार से लिख लेना है इसे, ठीक है, ये त्रिशूल लिखा हुआ है हमारा, तो ये है हृदय लिखना है इस प्रकार से, और ये त्रिशूल लिखना है इस प्रकार से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो कांत लिखना है यहाँ पर, सुजान दिया गया, कौन दिया, कौन का तो आप कौन का लिख सकते हैं फोन, ठीक है, फोन, ठीक है, कौन, फोन या मौन भी बोल सकते हैं, मौन, तो ये आपके समान ध्वनि वाले शब्द होते हैं लगभग, ये सुजान होता है, सुजान का एक और बोल सकते हैं अपन अजान, ठीक है, अजान, तो ये आपके हो जाएंगे, इनमें से आप दो में से कोई लिख लीजिए, यहाँ पर इसका अजान लिख लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, इनके हमें लिखना है शब्दों के अर्थ लिखिए, ठीक है, तो इनके अर्थ लिखना है आपको, तो पहले का हमारा लिखा है कागा, तो कागा को क्या बोलते हैं, कौआ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कौआ मतलब कौआ, ठीक है, तो इसका हो जाएगा, पहले का हो जाएगा कौआ, दूसरे का क्या है आपका, ठीक है, तो दूसरे का सराहना, यहाँ पर दूसरे का है यहाँ पर ताही, यानी होता है यहाँ पर ताही का मतलब लिख लेते हैं ईश्वर की प्रशंसा, ठीक है, ईश्वर की प्रशंसा, ईश्वर की प्रशंसा, ठीक है, ताही का मतलब होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, सातवां, तो सातवां दिया है स्त्रीलिंग यहाँ पर दिए गए, तो इनका पुरुष बताना है, ठीक है, तो सेठाने का क्या हो जाएगा आपका, सेठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेठाने का सेठ, और शेरनी का क्या हो जाएगा आपका, शेर हो जाएगा, इनका अच्छे से लिख लेना है आपको। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आठ का, तो आठ का क्या लगाना है, आठवा क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें दिया गया है आ उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द बनाइए, ठीक है, तो दो दो शब्द बनाने हैं आ लगाकर, तो आ का उपसर्ग, उपसर्ग यानी वे शब्द जो आगे जुड़ते हैं, तो इसका हो जाएगा आ से बनाएंगे, पहला है आग मन, ठीक है, आगमन, इसके बाद आगमन हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको, तो इनके आंसर लिख लीजिए। इसके बाद नौवां क्वेश्चन देखते हैं हम, तो नौवां क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, इसका बहुवचन बनाना है, ठीक है, तो इनका बहुवचन देख लीजिए इसका, तो बहुवचन बनाएंगे, तो पहले का हमारा क्या बनेगा बहुवचन, तो इसका बन जाएगा, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, सहेलियाँ, मतलब ला लिखा है ये, तो ये सहेलियाँ हो जाएगा इसका, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है नौकरानी, तो नौकरानी का क्या हो जाएगा, तो इसका देख लेते हैं, नौकरी का, तो नौकरी देखते हैं, नौकरी का क्या हो जाएगा, नौकरियां, क्या हो जाएगा, नौकरियां हो जाएगा, तो अच्छे से लिख लेना है इनको। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है इसमें, तो विशेषण शब्दों को संज्ञा के रूप में परिवर्तन करना है, तो यहाँ पर सांच लिखा है, तो इसका लिख लेंगे सत्य, ठीक है, इसके बाद मीठा लिखा है, तो इसका हो जाएगा मिठास, ठीक है, यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, विशेषण को संज्ञा बदलना है, मिठास या मीठापन, ठीक है, मीठापन भी बोल सकते हैं या मिठाई भी बोल सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा क्या करना है यहाँ पर, तो इनको देख लेते हैं, ये चार नंबर का आने वाला है यहाँ पर, कविता की कोई चार लाइन लिखनी है आपको, तो लिख लीजिएगा आप अच्छे से। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये परिभाषा लिख लेनी है, वे शब्द जिनके एक से अनेक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, ठीक है, यह परिभाषा हो जाएगी इसकी। ये दो नंबर के आने वाले हैं, इनमें हमें क्या लिखना है, अनेक शब्दों का एक शब्द लिखना है, ठीक है, तो इसका काम से जी चुराने वाला क्या होता है, कामचोर, कामचोर, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कामचोर हो जाएगा पहले का आंसर। दूसरे का, जिसे जरा भी डर नहीं लगता है तो निडर, उसे क्या कहते हैं, निडर, तो उसे निडर कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे भर लेना है आपको इसके आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्या दिया गया हमारा, तो सातवां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है,
इसमें हमें सक्रिय यहाँ पर सकर्मक अकर्मक क्रियाएं छाटनी है। तो ये वाला आप सीख लेंगे, यदि आपको सीखना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, तो उसके बारे में आप समझ लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें अकर्मक और सकर्मक छाटना है, तो ये आपका है अकर्मक, ये भी अकर्मक और ये भी अकर्मक, ठीक है, और ये लास्ट वाला आपका क्या है, सकर्मक, ठीक है, तो यहाँ पर सकर्मक हो जाएगा। तो इनको आपको छांट कर लिख लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ये दिए गए हैं क्वेश्चन, इनको भी पढ़ लेना अच्छे से। ये दिए गए हैं आपको छायांकित भाग में क्या लिखना है, रेखांकित भाग के वचन बदल कर लिखिए, ठीक है, फिर से लिखिए, पेड़ की छाया शीतल होती है, तो पेड़ की नहीं सभी पेड़ों की होती, तो यहाँ पर पेड़ की नहीं पेड़ों की, ठीक है, तो यहाँ पर पेड़ की जगह क्या लिखना है, पेड़ों की छाया। राम खेत में पानी देता है, ठीक है, तो राम खेत में पानी देता है, इसका हो जाएगा खेतों, क्या लिख लेना है, खेतों, तो राम खेतों में पानी देता है, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं अनपढ़ का, तो अनपढ़ को पढ़ने दो, तो अनपढ़ नहीं, तो यहाँ पर लिख देंगे अन पढ़ों, ठीक है, अनपढ़ों को पढ़ने दो। इसके बाद अगला लिखेंगे, तो यहाँ बालक जाता है, तो ठीक है, तो बालक जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, बालक जाते हैं, ठीक है, बहुत से बालक हैं तो वो जाते हैं कर देंगे, यहाँ पर बहुवचन बना देंगे इसका, जाते हैं, तो ये इनके आंसर हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है इसका, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर पंक्ति दी गई है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए आप। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, संज्ञा की और उपसर्ग की यहाँ पर परिभाषाएँ लिखनी है, उदाहरण लिखने, यहाँ पर क्रिया विशेषण लिख सकते हैं आप, और यहाँ पर इनके अर्थ वगैरह करना है आपको यहाँ पर, तो अच्छे से इनको देखते चलिए। इसके बाद अगला पेपर आपका बहुत जल्द आने वाला है साइंस का, तो उसको भी देख लेंगे हम, ठीक है। ये गद्यांश दिया है, इसको गद्यांश को छांटना है, ये दिए गए हैं आपका गद्यांश के आंसर, आप देख लीजिएगा इसमें से अच्छे से, यहाँ से देख लेना है आपको गद्यांश के आंसर। इतने ही मिलते हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर दीजिएगा, तो वहाँ पर आपको इसको ढूंढ के दे दिए जाएंगे। इसके बाद ये दिए गए हैं, तो यहाँ पर हमें संधि विच्छेद करना है इनका, तो संधि विच्छेद आप कर लेंगे। इसके बाद 3 दिन की अवकाश की एप्लीकेशन लिखनी है बुखार की, और यहाँ पर निबंध हमें किसका पूछा गया है, यहाँ पर बधाई पत्र भी लिखना है, यहाँ पर एक चीज़ कोई लिखना है आपको, निबंध में ऐसे क्या करना है, हमें गाय का निबंध आप लिख लेंगे अच्छे से, और इस पर हमें एक सौ लेख लिखना है, ठीक है।